सर, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी, ट्राइसिटी प्रॉपर्टी डॉक्टर्स पे आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है, बिगेस्ट 3 BHK इन ट्राइसिटी की रहने वाली है। ये जो आप प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, मेरे साथ रिव्यू लेने वाले हैं प्रोजेक्ट का, ये प्रॉपर हमारा दिल्ली मनाली हाईवे पे रहने वाला है। नेशनल हाईवे 205 नेशनल हाईवे से कनेक्टेड रहने वाला है। 280 फीट वाइड फ्रंटेज के साथ आपको मिलने वाला हर अमेनिटीज इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाली है। क्योंकि मेरे पास काफी क्वेरीज भी आती है, मैम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बताएं जहां पे आपको क्लब हाउस मिल जाए, ग्रीन एरिया मिल जाए और फ्लैट भी काफी लग्जरियस हो, बेंचमार्क प्रॉपर्टी हो। तो दोस्तों आप सही जगह पे आए हैं, सही वीडियो विजिट कर रहे हैं मेरे साथ। ये जो हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, 7.5 एकड़ की टाउनशिप में आपको ये ग्रुप हाउसिंग पास वेरा अप्रूव प्रोजेक्ट आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है, जिसमें आपको ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आपको ग्रीन एरिया 1.5 एकड़ का आपको मिलने वाला है, जहां पे आपको जॉगिंग ट्रैक आपको अलग से मिलने वाला है, स्विमिंग पूल आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाला है, क्लब हाउस की फैसिलिटीज आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। हमारा जो क्लब हाउस है वो वर्किंग में आने वाला है, G+2 के कंसेप्ट में रहने वाला है, जहां पे आपको पार्टी हॉल और जिम मिलने वाला है, बेबी क्रच मिलने वाला है, इंडोर गेम्स मिलने वाली है आपके बच्चों के लिए। आप इजिली यहाँ पे अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं और स्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे हर अमेनिटीज आपको इंडोर गेम्स की मिलने वाली है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे किड प्ले एरिया अलग से मिल रहा है, जहाँ पे जो उसकी फ्लोरिंग रहने वाली है वो प्रॉपर मैट्रेस जो रहने वाला है वो रबर का रहने वाला है। अगर आपके बच्चे यहाँ पे गिरते हैं तो उनको चोट नहीं लगने वाली, क्योंकि उनका जो वो बहुत ही सॉफ्ट रहने वाला है। शॉप्स भी आपको इस सोसाइटी के अंदर मिलने वाली है, जो डेली नीड्स की रहने वाली है। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रॉपर ग्रुप हाउसिंग पास प्रोजेक्ट रहने वाला। हमारा जो पीछे वाला पार्ट है, हमारा G+2 GR6 S+8 का कंसेप्ट, वो सारा सोल्ड आउट हो चुका है। अब हमारी अपडेट वीडियो है जो कि S+11 के कंसेप्ट का, ये 3 BHK रहने वाला है, 3 बेडरूम 3 अटैच वॉशरूम के साथ साथ आपको स्टोर मिलने वाला है। तो वक्त जाया ना करते हुए हम चलते हैं सीधा अपना सैंपल फ्लैट देखने। तो चलते हैं सीधा सैंपल फ्लैट, जो कि 1943 स्क्वेयर फुट का ये फ्लैट रहने वाला है। तो चलते हैं, हम आ चुके हैं बिल्कुल अपने सैंपल फ्लैट के बाहर आ चुके हैं, जो कि 1943 स्क्वायर फुट का ये फ्लैट रहने वाला है। S+11 के कंसेप्ट में रहने वाला है। स्टेयर केस एंड लिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आप देख सकते हैं ये हमारा सैंपल फ्लैट रहने वाला है। अभी मैं सैंपल फ्लैट की वीडियो बना रही हूँ, जो कि 1943 स्क्वायर फुट का है। अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि हम हमारा सैंपल फ्लैट आप देख सकते हैं। एंट्रेंस पे ही काफी वाइड आपको यहाँ पे आपका मेन डोर मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिजिटल लॉक मिल रहे हैं। प्रॉपर यहाँ पे थंबप्रिंट रहेगा, यहाँ पे आपके की सेस लॉक रहेंगे। ये आपका फॉर एरिया रहेगा, जो कि सीधा अटैच करता है आपके स्टोर रूम को। जैसे कि मैंने बताया था, ये जो फ्लैट आप विजिट करने वाले हैं, आज रिव्यू कर रही हूँ, ये हमारा 3 BHK 3 अटैच वॉशरूम्स एंड स्टोर का ये कंसेप्ट रहेगा। S+11 है, ये हमारा रहेगा लिविंग एरिया। काफी स्पेशियस लिविंग एरिया रहता है इस फ्लैट का, क्योंकि ये काफी अच्छे कार्पेट एरिया में आपको बिगेस्ट 3 BHK एक्सप्लेन कर रही हूँ मोहाली का। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मेरे पास क्वेरीज भी आती है कि मैम हमारा जो लिविंग एरिया हो थोड़ा स्पेशियस हो और डाइनिंग अलग से हो। दोस्तों ये ऑप्शन जरूर आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, इसका जो लिविंग एरिया काफी आपको स्पेशियस मिलने वाला है। आप देख सकते हैं इसके साथ आपको वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए आपको प्रॉपर बालकनी मिलने वाली है। इस लिविंग एरिया में आप इजिली यहाँ पे 7 to 9 सीटर इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर भी मूव कर सकते हैं आप अपने पूरे लिविंग एरिया में। आप यहाँ पे LED पैनल बनवा सकते हैं, आप आइडिया भी ले सकते हैं हमारे सैंपल फ्लैट के उसमें कि कैसे कैसे हमने डिजाइन कर रखा है। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा डाइनिंग स्पेस, जैसे जहां पे हमने 6 सीटर इंस्टॉल किया है, उसके बाद भी मूव करने के लिए काफी स्पेस रहने वाला है। और इस साइड हमारे रहने वाली है मॉड्यूलर किचन, जो कि प्रॉपर आपको फुली लोडेड किचन मिलने वाली है, जो कि एल शेप में रहने वाली है। इस साइड आपका रहेगा वेट एरिया, इस साइड आपका रहेगा ड्राई एरिया। ये प्रॉपर हाइड्रोलिक आपके यहाँ पे पेंट्री बॉक्सेस रहने वाले हैं। आपको प्रॉपर फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन आपको मिलने वाली है। सॉफ्ट क्लोजर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको हॉब चिमनी एज इट इज ही मिलने वाली है आपके किचन में। इस साइड आपको मिलने वाली है बालकनी की स्पेस, आपके किचन के साथ लिविंग एरिया के साथ आपके रूम्स के साथ प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे बालकनीज मिलने वाली है। अब चलते एक्सप्लोर करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम को, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। दोस्तों ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम, जिसकी फ्लोरिंग जो रहने वाली है प्रॉपर वुड की फ्लोरिंग रहने वाली है। सामने इसकी बालकनी की असिस्ट रहने वाली है, बालकनी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये मास्टर बेडरूम रहेगा। मूव करने के लिए आपके पास काफी अच्छा स्पेस रहने वाला है बेड, क्योंकि बेड लगाने के बाद भी यहाँ पे इजीली आप अच्छे से मूव कर सकते हैं। LED पैनल भी लगा हुआ है, फिर भी मूव कर सकते हैं। और हमारी जो ड्रेसिंग रहने वाली है वो अलग से रहने वाली है। इस साइड आपको स्लाइडर आपके वार्डरोब्स रहने वाले हैं, सामने आपकी ड्रेसिंग रहेगी। इस साइड आपका रहेगा अटैच आपको वॉशरूम मिल रहा है, जो प्रॉपर आपका
फुली लोडेड रहेगा, जिसमें आपको आपकी टाइल्स फुलाइटेड रहेंगी और आपके जो सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगे वो प्रॉपर ब्रांडेड रहेगी। दोस्तों ये रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम, जिसके साथ भी आपको बालकनी का एक्सेस रहने वाला है, साथ ही अटैच आपको उसके साथ आपको वॉशरूम भी मिलने वाला है, जिसकी लाइट्स जो रहने वाली प्रॉपर सेंसर लाइट्स रहने वाली है आपके वॉशरूम में, जैसे आप एंटर होगे आपकी प्रॉपर लाइट जग जाएगी। यहाँ पे आपको वार्डरोब्स मिलने वाले हैं और काफी अच्छा स्पेशियस आपको ये भी बेडरूम आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, जहां पे आप अपने गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं, गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं। गेस्ट बेडरूम का ये सामने रहेगा अटैच आपका वॉशरूम और ये रहेगा बेडरूम। यहाँ पे काफी स्पेशियस साइज में आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। वार्डरोब्स आपको तीनों बेडरूम में मिल रही है प्रॉपर, अटैच वॉशरूम के साथ मिल रहे हैं, बालकनी आपको तीनों बेडरूम के साथ आपको मिल रही है, स्पेशियस बालकनी रहने वाली है, जैसे कि मैंने बताया हाई राइज रहने वाला है। आपको हर अमेनिटीज इस फ्लैट में मिलने वाली है, इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है बैंक ऑन हाईवे से रहने वाला कनेक्टेड, जो कि 205 नेशनल हाईवे है, दिल्ली मनाली हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहने वाली है। 280 फीट वाइड फ्रंटेज इस प्रोजेक्ट का आपको मिलने वाला है, सो दैट कि आपको कमर्शियल आपके बिल्कुल सोसाइटी के बाहर ही कमर्शियल मिल जाता है। 500 मीटर के दायरे में आपको हर अवेलेबिलिटी मिल जाती है, आपके हॉस्पिटलिटी होगी, आपके शॉपिंग एड्स होगी, आपके एजुकेशन हब हो गया, बिल्कुल आपके नियर बाय रहने वाला, सराउंडिंग में रहने वाला है। सोसाइटी के अंदर भी आपको शॉप्स मिल रही है, प्रॉपर रेरा प्रूफ प्रोजेक्ट है। अगर आप ऐसा ही कुछ अपने लिए प्लान कर रहे हैं दोस्तों मोहाली के नियर बाय और चंडीगढ़ के बिल्कुल नियर बाय, तो दोस्तों ये ऑप्शन जरूर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ये सेक्टर 115 की इन्वेंट्री है, तो दोस्तों दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट का प्लान कर सकते हैं हमारे साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आने वाली नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। दोस्तों अब तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।